हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और ये देखिए एज यूजुअल कोको को मैं घुमाने लाता हूँ सुबह सुबह, जैसा कि आपको पता ही है। सामने दिख रहा है सखनोली खाल स्कूल, जो कि आज मंडे है तो आज बच्चे भी जाते हुए दिखेंगे थोड़ी देर में। और सूर्योदय उस पहाड़ी के पार तो हो चुका है, पर अभी हमारे यहाँ सूर्योदय होने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और आज का दिन क्या क्या रहता है, क्या क्या टास्क के मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा एनएस गोस्वामी ब्लॉग्स में। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उनको कर रहे हम तैयार, ये उसके न्यू शू, फटाफट स्कूल के लिए लेट हो रहा है वो। क्या रहेगी अशीनो हो गया रेडी। ये देखिए, पहाड़ों के जीवन के बारे में बात कर रहा था मैं कि कितना कठिन है। अभी मैं और शीनू मैं शीनू को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। स्कूल तो क्या, इसकी वैन आएगी ऊपर रोड पे, पर रोड तक जाने का जो सफ़र है वो भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लगभग 500-700 मीटर। और ये बच्चे ये काम डेली करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत ही ऐसी होती है सुबह की, तो एंड्योरेंस और स्टैमिना कितना बिल्ट हो जाएगा ऐसे में बच्चों का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का घर होता है। लगभग चलते चलते 5-6 मिनट हो चुके हैं, हमें अभी चलते जाना है। ये है पगडंडी, देखिए बच्चों का माइंडसेट। हम भी जाते थे कभी और दूर, हमारे टाइम पे तो वैन की सुविधा भी नहीं थी, तो हमें भी बहुत दूर जाना पड़ता था स्कूल में पैदल पैदल। शीनू और शीनू का फ्रेंड दुग्गू, और यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं वैन का। इधर से वैन आएगी, वैन को आते आते टाइम लगेगा। बनी के नाम चाहिए को लक्की बाय बाय। चलो तो सिन को ड्रॉप करके आ चुका हूँ मैं स्कूल की वैन में, और अब जाता हूँ नीचे घर के लिए। 9 बज चुके हैं और नाश्ता नहीं किया है अभी, भूख लग रही है बहुत तेज। आज लक्खू की बारी है सारे गाय बच्चियों को ले जाने की। 1-2 बेटा कुछ नहीं है, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं है। तीन चार, लक्खू आ जा अकेला, बाय क्यों ले, स्कूल गया आ जाए। मैंने सुना एक शॉर्टकट रास्ता, ये देखिए पीछे मेरे इधर, मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ और बहुत जल्दी भी पहुँच गया इस वजह से यहाँ पे। अच्छा लगा ऊपर घर देखा मैंने ताऊजी और का, उन्होंने ऊपर घर को रेनोवेट करवाया है। बहुत पुराना और बहुत अच्छा बना हुआ घर था, पर उसमें कमी तो थी सिर्फ इस बात की कि उसकी जो छत है वो गिर रही थी, वो बहुत पुरानी थी। तो अच्छा लगा, गाँव में जो भी ऐसे घर बनते हैं, रेनोवेट होते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, लोग अपने पुराने संस्कृति को संजो के रखना चाहते हैं। काफ़ी यादें जुड़ी होती हैं एक्चुअली लोगों की इन सब घरों से। मैं जा रहा हूँ नीचे अरबी खोदने, दिखाता हूँ आपको अरबी कैसी होती है। एक कंडाली से बच के पहले तो भाई साहब, ये अरबी का पौधा और इसकी जड़ में लगेंगे अरबी। दिखाता हूँ कहाँ, ये है सब्जियाँ, पहाड़ी सब्जी करेला। ये देखिए, ये है करेला, पहाड़ों में बहुत आयात में मौजूद है आजकल, बहुत ही फेमस सब्जी है पहाड़ की। ये आगे भी बहुत सारा है,
ये देखिए, साथ में हमारे लगे हुए हैं पहाड़ी चेरी टमाटर। ये देखिए पूरी बेल चेरी टमाटर से भरी पड़ी है, बहुत ही स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं ये चेरी टमाटर पहाड़ी। ये देखिए इसकी जड़ खोदी जाएगी हल्की हल्की, इसकी जड़ में मिलेंगे हमें अरबियाँ। ये देखिए ये है अरबी, ये आपको दिख रही है हल्की सी, ये अरबी थोड़ी थोड़ी सी आपको खोद के दिखाता हूँ। अरे ये रही अरबी, देखिए ये निकलेगी जड़ जड़ से। ये देखिए ये माँ को मेरे पे भरोसा नहीं था इसलिए खुद ही आना पड़ा मैदान में। ये है पहाड़ी अरबी, आज इसी की सब्जी बनाई जाएगी। ये इकट्ठा करते हैं पहले इनको, फिर दिखाते हैं कितनी है। इतनी अरबी 1 किलो से ऊपर ही है, 1.5 किलो के आसपास। अरबी जो हमने निकाली थी उनको सुखाया जाएगा कुछ देर। भाजी का बकरा, एग्जैक्ट 4:40 हो रहा है और सूर्यास्त हो चुका है। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ एकदम यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, एकदम सूर्यास्त हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। हमारा स्कूल, इस स्कूल की स्थापना तभी हुई थी जब हम लोग यहाँ पे आए थे। हमारा ही बैच पहला बैच था इस स्कूल में। देखिए 27/7/1995 को इसको भूमि दान में दी गई और उसके बाद ही जो है इस स्कूल का निर्माण किया गया। बट अब ये स्कूल बंद हो गया है, गांव में जनसंख्या है ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं, और जिसके चलते अब ये स्कूल बंद हो गया है। सामने किचन भी बनाया गया था मिड डे मील के लिए, बट अब वो भी बंद है यहाँ पे। और जो बाहर से श्रमिक वगैरह आते हैं वो आते हैं रहने। थोड़ा सा बच्चों के साथ क्रिकेट खेल के टाइम पास किया जाए। पीछे देख सकते हैं आप 3 बच्चे हैं, तो उधर वो क्रिकेट के लिए थोड़ा सा फील्ड तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा शाम का इवनिंग का टाइम पास हो जाएगा, वैसे भी इतने शांत वातावरण में जब खेला जाए कुछ भी तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खेलता हूँ थोड़ा, अरे आंवला है पहाड़ी आंवला, इसका भी आनंद लिया जाए खेलते खेलते। डिनर का प्रबंध हो रहा है, देखिए सब्जियां कट चुकी हैं और रीति लगी हुई है। थोड़ी सी मिक्स वेज बन रही है एक्चुअली, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च कट चुकी है, थोड़ी सी बीन्स और गोभियां कट रही हैं उधर। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ब्लॉग और मिलता हूँ आपको कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए NS गोसाई ब्लॉग्स को और लाइक्स के जरिए सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।